जाने कितने इसके हैं रूप, एक पल जादू एक पल धूप, समझना इसको नहीं आसान, कभी आंसू कभी मुस्कान। नफरत की आग में जलता रहा हूं मैं ही सदा, है मुझे अफसोस न आई मुझको जीने की अदा, जान कर अब रहूंगा मैं, जान कर अब रहूंगा मैं, जिंदगी के मायने तोड़ डालूंगा सभी मैं, बीते कल के आईने बताता है नहीं। क्या तोड़ू तेरे भी दूं चार दांत? गोपाल भैया आप ही के घर गए अभी। हमरे घर? हाँ। वो गंदी नाले का कीड़ा हमरे घर का करने गया। चाचा आज के बाद तुम्हारी मुनिया हमारी जिम्मेदारी है। मुनिया दलाल की औलाद, एक बहन को तो बर्बाद किया तो दूसरे को बर्बाद करना चाहता। दीदी हम गोपाल की खोपड़ियां फाड़ जा रहे हैं। कहाँ? तुला हमका 1000 रुपया दे, हमको बम्बई जाना है। बम्बई? अरे इतना बड़ा शहर उमे ना तेरी जान ना पहचान, कहाँ जाए कहाँ सोई कहाँ उठी कहाँ बैठी है? तो क्या इतनी फिक्र है हमारी है? हाँ तो फिर चला मेरे साथ। अरे चंद्रू तो ठीक है, तुम जब तक काम पूरी तरह नहीं सीख जाते तुम्हें 500 रुपया महीना मिलेगा। 500 रुपया? ये जो शरत अंदर गया है ना, ओके। लेकिन पहले सिर्फ वाच करने का, देखो ये कहाँ जाता है क्या करता है। अरे जितना माल बेचोगे ना उतना ज्यादा कमाओगे। फिर तो हम जरूर बेचेंगे। अरे क्या कर रहे हो चंद्रू? मिस्त्री जी पढ़ रहा हूँ, प्राइवेट इम्तिहान दे रहा हूँ। शाबाश पिटवा, ये तो बहुत अच्छी बात है, दिन में काम रात में पढ़ाई, शाबाश भाई बहुत तरक्की करोगे। अच्छा ये शरत कहाँ है? जी वो हाँ मैं समझ गया, वो जरूर पके और मुन्ना के साथ गया होएगा। इन लोगों को जब तक रात में पूरी एक एक क्वार्टर दारू नहीं मिलती ना नींद नहीं आती, बुरी आदतें डाल रखी हैं अपने आप को, कितना समझाया मानते ही नहीं। ये शरत भी पीता है क्या? जी है? मगर रोज नहीं कभी कभी। अरे बंबई शहर में चीजों की आदत लगते देर नहीं लगती, समझाना पड़ेगा जरूर उसे, फिर तो ये गांव नहीं है बंबई है। अच्छा चंदू तुम क्या काम करते थे गांव में? हम गांव में हमारा मछली मारी का धंधा था। अच्छा और शरद? उगा भी यही धंधा था। शरद भी पढ़ता लिखता है? अरे मिस्त्री जी उसे तो बहुत समझाया पर पढ़ाई में उसकी रुचि नहीं थी, बचपन में पाठशाला से बाहर भाग जाता था। अच्छा और मिस्त्री जी शरद शरारती जरूर है मगर दिल का साफ है। सो तो है। अच्छा चंद्रू एक बात बताओ, जब तुम्हारा खुद का मच्छी मार का काम था गांव में तो तुम उसे छोड़ के बंबई क्यों चले आए? जी वो आ गए, आमदनी कम थी। झूठ बोल रहे हो ना? है? अरे बच्चे ये मिस्त्री के ये बाल धूप में नहीं पके हैं, समझता हूं मैं। बोलो क्या बात है? शाबाश। जी वो शरद बंबई आ रहा था तो मैं भी आ गया। शरद क्यों आ रहा था? जी वो उसे बहुत रुपया कमाना था और वो गांव में तो कमा नहीं सकता था। सच? पर फिर तो उसे जरूर समझाना पड़ेगा, वो ऐसे रात रात भर याशी करता रहेगा तो पैसे कैसे जमा करेगा, क्या भेजेगा गांव में? जी मिस्त्री जी। अरे देखो हम बातों बातों में भूल ही गए, तुम पढ़ रहे थे खामखा तुम्हें तकलीफ दी। अरे अरे नहीं नहीं मिस्त्री साहब इसमें तकलीफ की क्या बात है, हमें तो बड़ा अच्छा लगा कि आपने हमें अपना समझ कर इतनी पूछताछ की। शाबाश बच्चा खुश रहो। अच्छा सुनो शरद आए तो उसे याद से कहना मिस्त्री जी ने बुलाया, कान खींचूंगा अच्छे से समझाऊंगा उसे, उसकी तनख्वाह भी काट दूंगा, पूरी पगार नहीं दूंगा अपने पास जमा रखूंगा, नहीं तो उसे भी वो ऐसे ही अजाशियों में उड़ा देगा, समझे? याद से बोलना। हाँ चल तो पहले बैठो। शाबाश। ए चंद्र
है चंद्रू? शरद पढ़ने दे हमका, इम्तिहान सर पर है हमार। अरे छोड़ी, किताब कुछ नहीं रखा है माँ। गांव में मास्टर ने जी इतनी सारी किताबें पढ़ा रहा, मगर आज भी उसके पास दो इठो साड़ी से ज्यादा कुछ नहीं है। शरद हम तुझे समझाए समझाए के थक गए। अगर पढ़ाई ना हो तो आदमी और जानवर में क्या फर्क है? यार चंद्रू, हम शहर में देखत रहा, वहां आदमी बड़ी बड़ी गाड़ी लेकर उसमें सुंदर सुंदर लड़कियां बिठा के घूमते हैं। यार हमारा दिल करता है हमारे पास भी इतना सारा पैसा हो कि हम वो सब खरीद डालें। अरे वो तो बहुत दूर की बात है, 500 रुपए महीना वालन के लिए ये सपना है सपना। और 5000 वालन के लिए का है? 5000? हाँ। कौन कमाएगा? हम कमाए वाले हैं। हम? तुम? हाँ। तुम कमाए वाले? हाँ। आग में जलता रहा हूँ मैं ही सदा, है मुझे अफसोस न आई मुझको जीने की अदा, जान कर अब रहूंगा मैं। अरे वाह शरद, तुमने तो बहुत माल बेचा। मैम साहब, हम सोच रहे हैं ये काम हम छोड़ दें। क्यों, बहुत पैसा बना लिया क्या? नहीं ये बात नहीं है, उनका है कि हमका डर लागत है। डर? हाँ। कैसा डर? पुलिस का। ओह, बेफिकर रहो, पुलिस तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो आप हमका पुलिस से छुड़ा लेंगे ना? अरे हम लोग बैठे हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तुम निश्चिंत होके काम करो। हाँ ठीक है, ये लो तुम्हारा इनाम, जाओ ऐश करो। शरद, तेरे पास इतना पैसा हाथ कहाँ से? चंद्रू, गैराज का काम खत्म होने के बाद तुम तो घुस जाते हो किताब में। अरे हम जाते हैं मेहनत करने। मेहनत? हाँ। कैसी मेहनत? अरे मसाला बेचने जाते हैं। और का मसाला? हाँ। क्या बात है भाई, तुम दोनों आपस में क्या खिचड़ी पका रहे हो? अरे पकिया भैया, खिचड़ी की मारो गोली। हाँ। हमका ही बताओ, हमका ही टेंशन है कि इस पैसे को हम खर्च कैसे करें। नहीं नहीं नहीं, वो टेंशन तू मत ले, हम है ना। क्यों पकिया? हाँ भाई, देखो शरद, आज की शाम तुम्हारे नाम ऐसी जगह लेके जाता हूँ कि जिंदगी भर याद रखोगे यार। तो ठीक है फिर, आज की शाम की शुरुआत ईला से करते हैं। ऐसा क्या? तू भी ले। ये ले बेटा चंद्रू, तू भी लगा। नहीं 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 शरद, तू तो बताए कि हम सिगरेट नहीं पीते। अरे बड़े मजेदार चीजें का लगाए के नाचे का दिल करे। नहीं नहीं, तुम ही नाचो, हमें नहीं नाचेगा है। बेटा तू नहीं सुधरेगा, तू तो याद ही रहेगा। और पकिया भैया, टीशर्ट कैसा लगा? क्या बात है शरद, अरे माल तो एकदम बुलेट है बुलेट। शरद अब तो छमिया के पास चलने का दिल कर रहा है। हाँ। अरे तो चलो ना भैया, अरे हमारे पास इतना सारा पैसा है, अरे जोन परिपास दिल आयो का ऐसा खरीद लो। ये बात है का शरद? हाँ बेटा मुन्ना, चलो चलो चलो। छम्मा छम्मा हे छम्मा 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 छम्मा। शरद हाँ, गांव से चिट्ठी आई है। अरे उनका कैसे पता कि हम यहाँ है? तुम्हारे घर से थोड़े ना, हमारे घर से आई है। अरे तो तुम तुम्हारे घर पे ही तो नहीं लिखे कि हम तुम्हारे साथ हैं? नहीं अब तक तो नहीं लिखे, पर अब लिखेंगे। थोड़ा दिमाग खराब है, है? काम का पुलिस के हाथों करोगे? नहीं डर की कोई बात नहीं है, पप्पा लिखे हैं कि गोपाल का जख्म बिल्कुल भर गवा है। अरे हमारे ऊपर गोपाल का बोझा नहीं है, हमारे ऊपर बोझा है हमारे पप्पा की खुदगर्जी का। बस यही तो तुम गलती खा जाओ शरद। अरे तुम्हारे पप्पा खराब आदमी नहीं है, वो बेचारे तो गरीबी के हाथों मजबूर हैं। तुम शायद ठीक कहते हो चंद्रू, हम हमारे पप्पा की आंखन में गरीबी के आंसू देखे रहा,
तभी हम सोच ले कि हमका चाहे कुछ भी करना पड़े हम ऐसा नहीं जिंदगी नहीं गुजारेंगे। पर ये तरीका से जो तुम पैसा कमा रहे हो ना ठीक नहीं है। अरे ठीक हो या गलत हो पैसा तो आ रहा है ना, हम मजे की जिंदगी जी रहे हैं ना। हाँ सर बैठिया। बोल का बात है। देख शरद हमारी बात मान ले, इसी में तेरी भलाई है, इसी में तेरे परिवार वाले की भी भलाई है। अरे किस परिवार वालन की बात करते हो तुम है ओकी, जेका छोड़कर हम बम्बई चले आए हैं। देखो चंद्रू हमारी समझ में तुरी बात नहीं आती, हमें ही सोचने दो कि हमारी जिंदगी मजे में कैसे बसर हो सकती है बस। तो तुम्हें परिवार वालन की कोई चिंता नहीं है ना? ठीक है भैया कर लो ऐस मजे करो, वहाँ गाँव में लोग जिए चाहे मरे उसे तुम काकड़ा। चंद्रू वो बात नहीं है। तो फिर क्या बात है शरद क्या बात है? अरे वो जो आदमी आया था ना हमको लेने के लिए हम कैसे समझाए तो का? तो वो आदमी हमको सेठानी के पास लेकर गया था। सेठानी? हाँ उस सेठानी ने हमको बहुत बड़ा काम दिया है पैसा कमाने का। कितना पैसा? 5,000 रुपया। 5,000 रुपया? हाँ। और काम का करना है? अरे मसाला बेचना है। मसाला? अरे कैसा मसाला भाई? नशे का मसाला जिसे पी के आदमी झूमने लगता है। शरद शरद तुम ड्रग्स बेचने का काम करने वाले हो? ड्रग्स? ये ड्रग्स का होता है? अरे वही जिसे तुम नशे का मसाला समझ रहे हो। अरे हमारी बात मानो तो इस झमेले में पड़ो ही नहीं तो अच्छा है। अरे भैया ये शराब से भी बुरी लत है, इंसान को एक बार ये लत लग जाता है तो आदमी की जान जाने के साथ ही छूटा था। ये बहुत बुरा काम है शरद, हम तुम्हें ये काम नहीं करने देंगे। अरे कैसे नहीं कर सकते हैं, हम उनका जवान दे चुके हैं और फिर वो हमको पैसा भी तो दे रही है। अरे शरद रुपया कमाने के और भी कई रास्ते हैं, उसके वास्ते गंदा काम करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी बात मानो पढ़ाई लिखाई सीख लो तुम रुपया जरूर कमाओगे। अरे अपनी मेहनत के और ईमानदारी के, अपने पसीने से भीगी रोटी हराम की रोटी से कहीं बेहतर है शरद। तो तुम बहुत बकवास कर रहे हो, ज्यादा भाषण मत दो, 4 किताबें कहाँ पढ़ ली अपने आपको कलेक्टर समझने लगे हो। देख शरद अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी ना तो नतीजा अच्छा नहीं होगा समझ लो। तो क्या कर लोगे तुम? मैं तेरे घर वालों को चिट्ठी लिख के बताऊंगा कि तुम क्या कर रहे हो और क्या करने की सोच रहे हो। जाओ बता दो, पुलिस को ही बताऊंगा। चंद्रू शरद तुम जो करने जा रहे हो वो बहुत ही बुरा काम है। अरे हमारी बात नहीं, इसमें तुम्हारी जान भी जा सकते है भैया। सोचो हम गाँव छोड़कर यहाँ क्या करने आए थे, ऐसे काम करने कि मेहनत की रोटी कमाने। अरे जब तुम्हें पुलिस पकड़ लेगी हवालात में बंद कर देगी तो तुम्हारे अम्मा बाबू जी को तो बड़ी खुशी होगी, कहेंगे इसी दिन के लिए तो जाना था शरद को हमने, बेटे ने बड़ा नाम रोशन किया। मुराक ये सब गैर कानूनन रास्ते नरक में लेके जाते हैं। इस दुनिया में रुपया कमाने का एक ही सीधा साधा रास्ता है, वो है पढ़ाई लिखाई का। बस उसमें रुपया तो मिलता ही है साथ में इज्जत भी। सेठानी वाला काम करोगे तो जरूर सब कुछ खत्म हो जाएगा। देख हमारी बात मान, ये आवारा गर्दी छोड़ दे रहे और गैरेज के काम के साथ साथ थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना भी सीख ले, इससे तोरी जिंदगी भी सवर जाएगी और तोरे परिवार वालन की भी।
अब बचा ही कहाँ है वो परिवार में? हाँ कहाँ बचा है? हमारे पढ़ने लिखने से, हमारे गीता दीदी की जिंदगी, उसकी इज्जत हमको वापस मिल जाएगी? नहीं ना, हमारी पढ़ाई लिखाई से क्या हमको हमारी रज्जो दीदी वापस जिंदा मिल जाएगी? नहीं मिल सकेंगी ना। कतुरी पढ़ाई लिखाई में इतना दम है कि हमको हमारा वो सब वापस लौटा सके? नहीं है ना, पढ़ाई तेरे पढ़ने लिखने से खोई हुई चीज वापस तो नहीं आ जाएगी ना, मगर जो कुछ भी तेरे पास बचा है उसे संभाल के रखने की ताकत इस पढ़ाई लिखाई में है रे। गीता दीदी के साथ जो कुछ हुआ क्यों हुआ? क्योंकि वो अनपढ़ थी। गोपाल जैसे कमीने इंसान को समझ पाना उसकी बस की बात नहीं थी, इसलिए वो धोखा खा गए। और रज्जू दीदी, किस हालात में रज्जू दीदी की शादी बूढ़े रामदीन से करवाई गई? अरे अगर तेरे बप्पा में थोड़ी भी समझ होती तो रज्जू दीदी की शादी उस बूढ़े रामदीन से होती नहीं, पर थोड़े बप्पा में इतनी भी समझ नहीं थी क्योंकि वो अनपढ़ थे। सर पढ़ाई लिखाई का यूं मतलब नहीं है कि तुम चार किताबें पढ़ना सीख लोगे, चार लाइनें लिख लोगे। यार पढ़ाई लिखाई तो इंसान को इंसान बनाती है, उसे सोचने और समझने की शक्ति दिलाती है, क्या अच्छा है क्या बुरा है इसमें अंतर करना सिखाती है। शरद अभी भी वक्त है, थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना सीख ले, इसमें तेरी और तेरे परिवार वालों की उन्नति है, ये सिर्फ एक ही रास्ता है। शायद ठीक कह रहे हो, अब मैं जरूर पढ़ूंगा। तू सच कह रहा है? हाँ अब मैं जरूर पढ़ूंगा। अरे ये हुई ना बात रे, ये हुई ना बात, ये के वास्ते तो हम दोस्ते दोस्ती रखे रहे। अरे हम जानते थे कि एक ना एक दिन हमारी बात तोरे पल्ले जरूर पड़ेगी शरद, तोरे पल्ले जरूर पड़ेगी चंद्रू। क्या गया तुम्हें, ये क्या हालत बना रखी है? कुछ लेते क्यों नहीं? हम मिस्त्री जी की राह देख रहे हैं। अच्छा। अब भाई मिस्त्री जी तो बाहर गए, दो तीन घंटे आने से रहे। मगर हमरा उनसे बात करना बहुत जरूरी है। क्यों भाई शरद, भैया कहीं बाहर लफड़ा वफड़ा किया नहीं ना? तो पहले बोल देना क्या। नहीं नहीं ऐसी कोनो बात नहीं है। फिर कोनो बात है, हमें पता चले तो हम ठीक कर देंगे, क्यों भैया? अरे भाई शरद, अब सुख में साथ दिया है तो दुख में भी साथ देंगे ना भैया, ऐसे अकेला थोड़ी छोड़ेंगे। बोल क्या बोले, बोल 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 बोल। हम गांव जाने की सोच रहे हैं। क्या क्यों भाई? नमस्ते नमस्ते नमस्ते, नमस्ते। क्या बात है, ऐसे धरना मार के मंडली जमा हो गई है? काम नहीं है आज, कोई काम नहीं करना क्या? अच्छा हो गया आप आ गए, पहले इसकी बात सुनिए क्या कह रहा है। अब बोलो बोलो क्या बात है शरद। मिस्त्री जी हम गांव जाना चाहते हैं। क्यों, काम पसंद नहीं आया बच्चे? नहीं नहीं मिस्त्री जी ऐसी बात नहीं है, काम हमको बहुत पसंद आया। फिर क्या बात है? हमको हमारे घर वालों की बहुत याद आ रही है। अच्छा तो भैया अगर ऐसी बात है तो 8-10 दिन की छुट्टी लो, गांव जाओ, उन लोगों को मिलाओ, उसमें क्या क्यों बकया? बस
ये बात नहीं है, हम हमेशा के लिए जाना चाहते हैं। हमेशा के लिए? हाँ। ये हमेशा के लिए गांव जाने का ख्याल तुम्हारे दिमाग में कैसे आ गया? जैसे बंबई आते वक्त आया था। देखो शरद, मुझे लग रहा है तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अरे भैया, तुमने अभी तो काम सीखा है यार। मगर सुनो शरद, तुम्हारी पगार बढ़ा दूं क्या? नहीं नहीं मिस्त्री जी, आप तो हमको पहले ही बहुत ज्यादा पगार देते हैं। तो फिर क्या बात है, क्यों गांव जाना चाहते हो? वहाँ कोई गराज तो होगा नहीं, क्या करोगे? हम अपना पुश्तैनी काम संभालेंगे, पप्पा के काम में मदद करेंगे। इसका मतलब है हमारा हीरो गांव जाके मछलियां पकड़ेगा। भाई तुम्हारी ये बात हमारी बिल्कुल समझ में नहीं आई शरद। अच्छा खासा काम छोड़कर तुम गांव जाके मच्छी मारी करना चाहते हो। बंबई में लोगों को काम नहीं मिलता, काम मिलता है तो रहने को मकान नहीं मिलता। तुम्हारे पास दोनों चीजें हैं और उसे तुम ठोकर मार के गांव जाना चाहते हो। काहे के लिए? मच्छी मारी करने के लिए। उसे जाने दीजिए मिस्त्री साहब। चलो जी मिस्त्री साहब, इसे मत रोकिए, इसी में इसकी भलाई है। अच्छा तुम कह रहे हो तो ठीक ही होगा, दरअसल तो हम भी शरद की भलाई चाहते हैं। अच्छा तुम जा सकते हो शरद। मिस्त्री जी देखो एक बात और सुनो, जाने से पहले याद से कुछ पैसे ले लेना, अपने पास रख लेना। तुम नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे हो, तुम्हें जरूरत पड़ेगी। मिस्त्री जी। अरे नहीं बच्चों, बस बस बस। दीदी, गीता दीदी। शरद। कैसा है ऋतु? मैं अच्छा हूं, तुम कैसी हो? मैं तो मर चुकी हूं दीदी। अरे मेरी छोड़, तू बता तू बंबई क्या गया? ना तेरी कोई खबर ना चिट्ठी। चिट्ठी? हाँ मैंने लिखी और तूने पढ़ ली। अंगूठा छाप का अपने आप को मास्टर नहीं समझती हो का? तू कहाँ से आ रहा है? बंबई से, और कहाँ से। अच्छा गीता दीदी की याद तो आई, मेरा भैया बंबई से आया है अपनी बहन से मिलने। सफर से थककर आया होगा ना। हाँ। चल हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। अच्छा लो भैया खा लो। दीदी अब हम बंबई नहीं जाएंगे। काहे? किसी से लड़ झगड़ कर आए हो का? नहीं तो? तो फिर दूसरे शहर में नौकरी मिल गई है? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। फिर? अब हम गांव जाएंगे। गांव? हाँ। गांव जाकर क्या करेगा? दीदी मछली मारेंगे और का, और अब बप्पा भी तो थक गए होंगे ना। ठीक सर, पागलपन मत कर, इतनी अच्छी नौकरी छोड़कर तू गांव जाएगा? क्या रखा है गांव में? दीदी का तोका कभी घर की याद नहीं आती? आती है, लेकिन लड़की तो पराया धन होती है ना। एक बार घर से विदा हो गई कि घर छूट जाता है। अब इसी को अपना ससुराल समझकर घर को बुलाने की कोशिश करती हूँ। दीदी छोड़ो ना मेरी बात, तू खाना खा ले। दीदी अब ये खाना हमारे गले से नीचे नहीं उतर रहा। समझ गई, बहन के बदन की कमाई। ऐसी बात नहीं है, ये लोग खा लेते हैं हम, पर अब तुम हमारे साथ गांव चल रही हो ना। बाबा हमरे जैसे औरत की जगह घर में नहीं, ऐसे कोठे पर होती है। दीदी ऐसा कहां सोच रही हो? हाँ का तुम अपनी मर्जी से आई थी यहाँ? वो तो ससुर गोपाल लाया था ना। छोड़ो ना पुरानी बातें, पुका करने से का फायदा। हम कोठे पर अपनी मर्जी से नहीं आए थे, लेकिन घर तो अपनी मर्जी से छोड़ा था ना। दीदी अब घर पे किसी को पता नहीं चलेगा कि तुम इतने दिन कहां थी। जी सर भैया, हमें डर लागत है। डर? काहे का डर?
हम है ना, हम सब संभाल लेंगे। कहाँ संभाल लोगे? माँ बापा का तो बताना पड़ेगा ना, कितने साल हम कहाँ थे। तो बता देंगे ना। कहाँ बता देंगे? बता देंगे कि तुरी शादी हो गई और पति मर गया बस। अम्मा पापा मान लेंगे ये बात? मानेंगे कहाँ नहीं, अब हम कमाने लगे हैं ना, वो हमारी बात माननी पड़ेगी बस। शरद भैया हम, दीदी अब हम तुरी एक भी बात नहीं सुनेंगे, तुम हमारे साथ गांव चल रही हो तो चल रही हो बस। मगर भैया, अगर मगर कुछ नहीं, तुम बड़ी लिखी नहीं हो ना, एक करे तुम्हारी समझ में हमारी बात नहीं आ रही। तू का सब बातें समझ में आती है ना? नहीं, पर अब समझना चाहता हूँ, और समझने के लिए पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। दीदी अब हम दोनों गांव जाएंगे, वहां जाकर पढ़ाई करेंगे। बाप रे, इतनी बड़ी बड़ी बातें करना कहाँ से सीखा तूने? चंद्रू से। दीदी चंद्रू ने हमारी आंखें खोल दी। हम दोनों पढ़े लिखे नहीं है, ना मेरे पप्पा ना अम्मा, तभी तो आज हमारी सब हालत है। पर अब हम पढ़ेंगे लिखेंगे, खूब मेहनत करेंगे, उसके बाद देखना सब ठीक हो जाएगा। अब तुम चलो जल्दी से सामान बांध लो, हमें चलना है। अफसोस न आई मुझको जीने की अदा।